हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है हमारे सी टैक चैनल में। आज मैं आप लोगों के लिए 3D टैक्स या फिर इंट्रो का वीडियो लेकर आया हूँ। यदि आप यूट्यूबर हैं तो आपको बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ता होगा एक 3D टैक्स का, जैसे कि आप अपने इंट्रो बनाने के लिए, लोगों के लिए या फिर वीडियो मिक्सिंग करते समय वीडियो में यूज करने के लिए, क्योंकि यदि किसी वीडियो में 3D टैक्स जो कि स्टार्टिंग का लगा दिया जाता है तो वीडियो का लुक और जो स्टाइल्स होता है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे लोगों को देखने में काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। तो 3D टैक्स के बारे में यदि आप लोगों को नहीं पता है तो इस वीडियो को कंटिन्यू पूरा देखिएगा, आपको पता लग जाएगा कि किस सॉफ्टवेयर से बहुत ही आसानी तरीके से 3D टैक्स का डिजाइन या फिर लोगो बनाया जा सकता है। तो चलिए मैं आपको एक सैंपल दिखा देता हूँ कि इस तरह का आप बना सकते हैं बहुत आसानी तरीके से। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, इसी तरह का मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, बनाकर बताने वाला हूँ कि किस तरह से बनता है, कौन से सॉफ्टवेयर में बनता है, वो सॉफ्टवेयर आपको कहाँ से डाउनलोड होगा और उसका साइज क्या है। तो सारा कुछ कंप्लीट आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए कि डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है अरोरा 3D एनिमेशन मेकर, तो मैं यहाँ से इसको ओपन करता हूँ। तो देखिए इस तरह से आपके पास इंटरफेस आ जाएगा। तो सबसे पहले जैसे ही आप सॉफ्टवेयर को ओपन कीजिएगा, आपके सामने इस तरह से डायलॉग बॉक्स आएगा जहां पर लिखा होगा एनिमेशन, टैक्स, लोगो और बटन। तो एनिमेशन में आप एनिमेशन इंसर्ट करके उसी के ऊपर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, मतलब इसके जगह कुछ और नाम लिख सकते हैं। टैक्स आप यहाँ पर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, लोगो है, इतने सारे अपने हिसाब से अपने ज़रूरत के अनुसार लोगो बना सकते हैं, बटन है, बटन भी बना सकते हैं। लेकिन मैं आज आप लोगों को बताऊंगा एनिमेशन के बारे में। तो एनिमेशन यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ और देखिए कि यहाँ पर विंग्स है। तो देखिए विंग्स को हम यहाँ से क्लिक करते हैं, ठीक है, इसको या किसी को ले लेते हैं, चलिए इसको ले लेते हैं और यहाँ से ओके करते हैं। तो ओके करेंगे तो यहाँ पर ये आ गया, और आने के बाद जब यहाँ से हम प्ले करेंगे तो देखिए इस तरह से मूव हुआ। तो इसके जगह पे हमें कुछ और लिखना है तो हम इसी को मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, मतलब कि इसी को कुछ और लिख सकते हैं। तो देखिए, तो यहाँ से क्या करेंगे कि पोस्ट कर देते हैं और इसको क्लिक करते हैं, ठीक है, और इस पर डबल क्लिक करते हैं, ठीक है। W है तो W को यहाँ से कट करके और हम अपना नेम जो है सी, तो सी टाइप कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सी आ गया, सी टैग है मेरा, तो मैं यहाँ से इसको डबल क्लिक करता हूँ, इसके जगह मैं टी कर लेता हूँ, मतलब कि जो नाम है उसको अलग अलग कर लीजिए। तो इसी तरह मैं सबको कर लेता हूँ। अब इसको मैं यहाँ से इस तरह से प्ले करता हूँ, देखिए इस तरह से अब आया यहाँ पर सी टैग। तो ये तो हुआ कि सी टैग आ गया यहाँ पर लिखा हुआ नाम। यदि हमें इस पर कलर वगैरह मॉडिफिकेशन करना है, कुछ इसमें लो डिजाइन वगैरह चेंज करना है तो कैसे करेंगे, तो देखिए फर्स्ट को क्लिक कर लीजिए, ठीक है, और टैक्स है ना, तो टैक्स वाले जो बॉक्स से तीनों के तीनों टैक्स कलर वगैरह का है, तो यहाँ पर क्लिक कर लीजिए, टैक्स है, टैक्स पे कलर पे जाते हैं और यहाँ से सबसे पहले जो कलर हमें ब्लेंड को ख़त्म कर लेते हैं यहाँ से, और अपने हिसाब से कलर जो है यहाँ से देखिए गोल्डन टाइप करना है तो गोल्डन क्लिक करके, और इसके बाद साइड में क्लिक करके यहाँ से ट्रांसफॉर्मर पर क्लिक करते हैं। ट्रांसफॉर्मर पर जाकर अपने हिसाब से जो जैसा चाहिए वैसा हम यहाँ से क्लिक कर लेते हैं और उसके बाद में क्लोज कर देते हैं। अब इसे थोड़ा सा प्ले करके देखते हैं, तो देखिए आया, देखिए यहाँ पर गोल्डन आया बिल्कुल, देखिए है ना ये जो डिजाइन लगाए थे। अब तो हुआ ये कि ये साइड का हुआ, ठीक है, अब हमें इसके अंदर करना है, अंदर चेंजेस करना है, तो यहाँ पे हम इसी को क्लिक करके रखेंगे और स्ट्रोक कलर पे जाएंगे, स्ट्रोक कलर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसके अंदर जो चौड़ाई है इसमें कलर होगा और फर्स्ट में इसके ऊपर कलर होगा। तो यहाँ से आपको जो अच्छा लगे आप यहाँ से, तो मैं इस पर यहाँ से इसको सेकेंड वाले को ले लेता हूँ, सेकेंड वाले को क्लिक करके और यहाँ से ट्रांसफॉर्म वगैरह रहने देता हूँ। एनिमेशन वगैरह से आप अपने हिसाब से एनिमेशन वगैरह जो फ्लैश हो रहा है सब सेट कर सकते हैं, तो इसको रहने देता हूँ और यहाँ से क्लिक करता हूँ। देखिए लास्ट शुरू में ले जाते हैं और प्ले करते हैं इसको, तो देखिए इस तरह से फर्स्ट जो था वो डिजाइन हो गया। तो इस तरह से डिजाइन हो गया, इसी तरह से हम सबको कर लेंगे तो पूरा का पूरा ये अपना डिजाइन तैयार हो जाएगा। तो मैं फटाफट कर लेता हूँ। अब इसे हम यहाँ से फ्रेंड्स प्ले करते हैं, तो देखिए ये पूरा इस तरह से ये बन गया। तो आपके सामने बना, कलर वगैरह चेंज किया और टैक्स सेलेक्ट कर लिया। तो इस तरह से आप जब आप
सॉफ्टवेयर ओपन कीजिएगा और कंट्रोल प्लस एन न्यू पेज कीजिएगा, तो इस तरह का आपको डिजाइन मिल जाएगा। जैसे कि मैं इसको फाइल पर जाकर अब यहाँ से सेव एज कर देता हूँ, सेव एज कर देता हूँ और डॉक्यूमेंट में जाके इसको 01 के नेम से सेव कर देता हूँ। ठीक है, सेव हो गया। अब कंट्रोल प्लस एन लीजिएगा न्यू पेज, तो आप इसी तरह से अपने हिसाब के अनुसार से आपको बहुत सारे डिजाइन मिल जाएंगे। जैसे कि हम इसको क्लिक करते हैं, यहाँ से क्लिक करते हैं और प्ले करते हैं, तो देखिए तो फ्रेंड्स आप इन सभी के टैक्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से जो दिल करे वो आप लिख सकते हैं, जैसे जो चाहें। तो इस तरह से आप तो बने बनाए टैक्स जैसे कंट्रोल प्लस एन न्यू पेज करके आप यहां से ले सकते हैं, जो आपको डिजाइन चाहिए आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। इसका बैकग्राउंड में यदि आपको कुछ लगाना है तो बैकग्राउंड में आप यहां से स्मोक रेन वगैरह लगाना है तो आप लगा सकते हैं। देखिए लग गया, तो ये कर सकते हैं। अब देखिए, अब हम खुद से टैक्स टाइप करके किस तरह से बनाएं, मैं बेसिक बता रहा हूँ, मैं फुल नहीं बता रहा हूँ। तो मैं यहाँ से फाइल पे जाता हूँ, यहाँ से न्यू लेता हूँ, कंट्रोल प्लस एन न्यू का अनु, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, ये तो डिजाइन का हुआ कि आपको इसमें से कोई डिजाइन लेना है तो ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है, तो यहाँ पर न्यू ब्लैंक पर क्लिक कीजिए और यहाँ से ओके कर दीजिए, ठीक है, साइज वगैरह सेलेक्ट करके। तो देखिए ये आ गया ब्लैंक डॉक्यूमेंट। अब इसमें बेसिक एक सिंपल सा डिजाइन आपको बना के दिखाता हूँ टेक्स्ट का ही। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है टेक्स्ट का, इसको क्लिक कीजिए, ऐड टेक्स्ट का, ठीक है। और यहाँ पर जैसे क्लिक कीजिएगा यहाँ पर टेक्स्ट लिखा के आ जाएगा, डबल क्लिक कीजिएगा, उसके बाद में कंट्रोल प्लस ए सेलेक्ट ऑल हो जाएगा। आप इससे बैक स्पेस से डिलीट कर सकते हैं और जो आपको टाइप करना हो, जैसे मेरा सी टैग है चैनल के नेम, तो सी टैग में टाइप कर लिया और बाहर क्लिक किया, ठीक है। तो ए इस तरह से बन गया। अब हमें इसे रोटेट करना है या फिर कोई डिजाइन देना है, तो आप यहाँ से क्लिक करके आप अपने हिसाब से इसे रोटेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो बॉक्स टाइप बना है, यहाँ से ऐसे कर सकते हैं रोटेट, आप यहाँ से रोटेट इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ से इसको इस तरह से घुमा सकते हैं, मतलब कि आप अपने हिसाब से रोटेट कर सकते हैं जैसे चाहिए आप। देखिए तो ये हो गया, ठीक। अब हम सिंपल डिजाइन बना रहा हूँ, यहाँ पर ज़्यादा एडवांस नहीं है, ये बन गया। अब इसको हमें कलर करना है, तो आपको पता ही है कि पिछले वीडियो में बैक में मैं आपको बताया था कि कलर कैसे करना है। तो टेक्स्ट कलर के ऊपर जाते हैं, आपको जो अच्छा कलर लगे, आपको जो पसंद आए कलर, आप यहाँ से कलर कर सकते हैं। तो मैं ले लेता हूँ इसी को, ठीक है। और उसके बाद में कलर तो सिलेक्ट हो गया, कलर सेलेक्ट करने के बाद में कुछ एनिमेशन हो तो एनिमेशन या फिर ट्रांसफॉर्मर, तो मैं एनिमेशन ले लेता हूँ और एनिमेशन पर जाकर किसी ऐप को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए इस तरह से ये फ्लैश होने लगा, यहाँ पर देख सकते हैं फ्लैश हो रहा है। तो ये तो हुआ फ्रंट कलर, ठीक है। अब हमें स्ट्रोक जो चौड़ाई है इसके ऊपर कलर करना है, तो स्ट्रोक कलर पर जाएंगे और उसके बाद में यहाँ से ब्लेंड को हटा देंगे, तो यहाँ पर बहुत सारे कलर आ जाएंगे। देखिए आप अपने हिसाब से जो रखना रख सकते हैं, तो इस पर मैं सेकेंड को रख लेता हूँ। और ट्रांसफॉर्मर पर जाके आपको जो अच्छा लगे ट्रांसफॉर्मर भी देख लीजिए, जैसा करना है ट्रांसफॉर्मर पर कर लीजिए, ठीक है, क्लोज। तो देखिए ये आपका टेक्स्ट बन गया। आप इसको इस तरह से देखिए प्ले तो कीजिएगा, तो इसमें कोई भी एनिमेशन नहीं लगा हुआ, अभी सिंपल प्ले होगा। लेकिन मैं इसको शुरू में ले जाता हूँ फर्स्ट में, और यहाँ से आप राइट हैंड में जाइएगा तो कॉर्नर में आपको मिलेगा एनिमेशन, तो एनिमेशन का ऑप्शन बेसिक है। और यहाँ से जो ABC लिखा हुआ है, मतलब कि टैक्स एनिमेशन है, और जो सिंपल है ये जो है सेप एनिमेशन। तो यहाँ पर डबल क्लिक कीजिएगा, इसको क्लिक करके आप यहाँ से प्ले करके देखिए, तो देखिए इस तरह से एनिमेट होगा, इस तरह से एनिमेट होगा। बहुत सारे फंक्शन है, बहुत अच्छे अच्छे इसमें डिजाइन बनाया जा सकता है, काफ़ी सारे फैसिलिटी दिए हुए हैं सेप वगैरह। आप यहाँ से क्लिक कीजिएगा तो एक से एक आपको यहाँ पर मिल जाएंगे सेप्स के, कैसे सेप्स वगैरह रखा होता है, बहुत कुछ, बहुत सुंदर सुंदर आप लोगो बना सकते हैं अपने यूट्यूब चैनल के लिए, फिर किसी भी यूज के लिए, किसी भी काम के लिए, वेबसाइट के लिए, कुछ के लिए। तो ये देखिए ये बन गया। अब इसे हमें बैकग्राउंड, तो जितना इसको रखना आप लगा सकते हैं, जितना साइज करना है, बड़ा करना है, छोटा करना है, आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये सिंपल एक डिजाइन तैयार हो गया। अब फ्रेंड्स अब हमें क्या करना है कि अब यहाँ पर बैकग्राउंड में कुछ लगाना है, यदि बैकग्राउंड में कोई वीडियो वगैरह लगाना है तो कैसे लगाएंगे। तो देखिए इस ऐप टैक्स एडिट हो गया, अब बैकग्राउंड का ऑप्शन यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड है, तो बैकग्राउंड में आप अपने हिसाब से कलर लगा सकते हैं। यदि कलर नहीं लगाना है तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा फायरवेयर का, तो आप यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ से प्ले कीजिएगा, तो देखिए इस तरह से आप यहाँ पर ये लग गया। और यहाँ पर स्काई बॉक्स है, वीडियो है, यदि आप चाहे तो कोई वीडियो अपने हिसाब से, अपने पसंद के हिसाब से क्लिक करके वीडियो लगा सकते हैं, इस तरह से वीडियो लगा सकते हैं। यदि आप चाहें कि वीडियो अलग से ओपन करना है तो आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं डेस्कटॉप पे जाकर। यदि आपके पास कोई वीडियो है तो आप वीडियो सेलेक्ट कर सकते हैं, वीडियो सपोर्ट हो जाता है। तो वीडियो में रहने देता हूँ, आप यहाँ से बैकग्राउंड
या फिर कलर बैकग्राउंड, जैसे कि कोई कलर करना है आपको, वीडियो पसंद नहीं है और कलर आपको लगाना है, तो आप यहाँ से कलर कर सकते हैं आपको जो। यदि आपको इसको वीडियो में ऊपर यूज करना है कहीं पे, तो आप इस पर ग्रीन स्क्रीन में कन्वर्ट कर सकते हैं और आप आसानी से अपने वीडियो के ऊपर ग्रीन स्क्रीन पे क्रॉप करके या ब्लू स्क्रीन पे लगा सकते हैं। तो ज़्यादा है, आप जैसा बनाना सकते हैं बना सकते हैं और अपने वीडियो में कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो ये तो हुआ अपना डिजाइन बन गया, और बहुत सारे फंक्शन है। यदि इस वीडियो पे अच्छा लाइक रहा, अच्छा आप लोगों का कमेंट रहा, तो मैं कोशिश करूँगा कि इस पर और ज़्यादा से ज़्यादा मैं वीडियो बना के आप लोगों का दूँ। तो देखिए, फाइल पे जाते हैं। फाइल पे जाने के बाद में यहाँ से करते हैं एक्सपोर्ट, ठीक है, एक्सपोर्ट क्लिपबोर्ड, एक्सपोर्ट इमेज और एक्सपोर्ट एनिमेशन। तो मैं एक्सपोर्ट एनिमेशन को सिलेक्ट करूँगा। अब देखिए, यहाँ पर आपके सामने आ जाता है कि आपको साइज़, एक्सपोर्ट साइज़ वगैरह चेंज करना है, तो आप अपने हिसाब से साइज़ को चेंज कर सकते हैं आपको जिस तरह यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं कट कर देता हूँ, अपने साइज़ यहाँ से बना सकते हैं ज़रूरत के अनुसार। उसके बाद में आपको पास आता है यहाँ पर फ्रेम रेट, तो फ्रेम रेट क्या रखना है, तो फ्रेम रेट कस्टम ही रहने दीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। और देखिए, वीडियो है, फ्लैश है, GIF है और इमेज स्क्वायरनेस। तो आपको क्या एक्सपोर्ट करना है, किस में बनाना है, तो आपको वीडियो में बनाना है ताकि वीडियो अच्छा लगता है, फ्लैश या फिर GIF। तो GIF भी बना सकते हैं, अच्छी फैसिलिटी है। आप GIF यदि आप कुछ डिज़ाइन वगैरह बनाते हैं तो व्हाट्सएप वगैरह पर बहुत आसानी से शेयर कर सकते हैं GIF का फाइल। तो मैं यहाँ पर वीडियो पर क्लिक करता हूँ और फाइल नेम दे देता हूँ सोर्स फाइल, यहाँ पर सेव फाइल करते हैं और डेस्कटॉप पे जाते हैं और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 8888 के नाम से, और यहाँ से सेव कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ से करता हूँ ओके। तो देखिए, यहाँ से रेंडिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जब तक ये चलता रहेगा प्ले लास्ट तक, तब तक रेंडिंग होगा। और ये हो गया, अब ये ओके हो गया एक्सपोर्ट, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये प्ले होगा। अब इसको हम मिनिमाइज कर देते हैं और उसके बाद में 88 के नाम था, इसको हम यहाँ से प्ले करते हैं। तो देखिए, आपके सामने